पाकिस्तान के मशहूर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार से हालिया के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बेहतर कप्तान कौन है। जवाब में उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल में सरफराज अहमद मिसबाउल हक और बाबर आजम से ज्यादा बेहतर कप्तान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ये मानना है कि सब में अपनी अपनी सलाहियत होती है, लेकिन अगर किसी के पास खेल का शऊर और बेहतर कप्तानी की महारत थी तो वो सरफराज अहमद ही थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक विकेट कीपर दूसरे प्लेयर्स की निस्बत बेहतर फैसले ले सकता है, क्योंकि वो जानता है कि बॉलर क्या बॉलिंग करवा रहा है। यही वजह है कि एक विकेट कीपर को ही कप्तान होना चाहिए, और इसी लिहाज से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और हत्ता के बाबर आजम की निस्बत सरफराज अहमद ज्यादा कामयाब कप्तान थे। तहम अपने इंटरव्यू में अलीम डार ने बाबर आजम की मौजूदा कामयाबी को तस्लीम करते हुए कहा कि इंफरादी कारकर्दगी और कप्तानी की महारत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि कप्तान की बुनियादी जिम्मेदारी टीम वर्क को फ़रोग देना है और प्लेयर्स को एक मुश्तरका मकसद के लिए मुतहद करना है, और हम अहम टीम के बगैर इंफरादी कामयाबी या कप्तानी की जहान अच्छे नतज नहीं दे सकती। वाजा रहे कि अलीम डार का शुमार दुनिया के बेहतरीन और अली लेवल के अम्पायर में होता है, जो मतदद साल दुनिया के बेहतरीन अम्पायर्स भी रह चुके हैं।